किसान आंदोलन के समर्थन में 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद की सफलता को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने आज जहां नगर की व्यापारिक संस्थाओं से संपर्क कर बंद में सहयोग करने की अपील की, वहीं पंजाबी धर्मशाला में हलका थानेश्वर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठक लेकर ड्यूटियां लगाई। बैठक में कार्यकर्ताओं की टोलियां बनाई गई, जिन्होंने आज से ही विभिन्न बाजारों में जाकर दुकानदारों की एसोसिएशन से संपर्क कर बंद में सहयोग करने की अपील की। क्या कहेंगे सर, कल भारत बंद का ऐलान है? केंद्र की सरकार ने जो 3 किसान मजदूर आम आदमी के खिलाफ बिल पास किए हैं, जिसको लेकर हमारा वो अन्नदाता जो गर्मी सर्दी की परवाह ना करते हुए, धूप छांव की परवाह ना करते हुए आज 12 दिन से इस कड़कती सर्दी में सड़कों पे पड़े हैं, और ये सरकार घमंड से भरी हुई है, ये उनकी बात नहीं सुन रही। कल 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान लोगों ने किया, तो आज हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि भारत बंद में हम हिस्सा लेंगे, हम इसका समर्थन करते हैं, और कल कुरुक्षेत्र को संपूर्ण बंद कराया जाए, इसके लिए आज मीटिंग बुलाई है, और कल हम सुबह बिरला मंदिर चौक से इकट्ठे होकर शांतिप्रिय ढंग से दुकानदारों से हाथ जोड़ के अपील करेंगे कि आप उस अन्नदाता का साथ दें जो आज संकट में है और इस सरकार को झुकाने में। कुरुक्षेत्र से निर्मला दूत की रिपोर्ट। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहें यस टीवी।